गए हो गए हो गए नहीं हो गया हो गया। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटो। गुड इवनिंग सर। करते हैं बेटा अभी स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटो। ये बेटा आपका जो रिडॉक्स है का लेक्चर थर्ड है। रिडॉक्स लेक्चर दो इसमें आएगा आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के प्रकार की बात करेंगे। आप ध्यान देना तीन प्रकार की होती है बेटा। बहुत आसान सा है। इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स अंतर अणु रिडॉक्स। होती है इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स इसको नाम देते हैं अपन अंतःअणुक रिडॉक्स। और जो तीसरे नंबर पे आती है आपके पास इसको इंग्लिश में दो नाम देते हैं ऑटो रिडॉक्स डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। हिंदी में कई नाम देते हैं इसको स्वतः रिडॉक्स। फिर एक देते हैं असमानुपातन। असमानुपातन असमानुपातन एक नाम देते हैं विषम अनुपातन। विषम एक नाम देते हैं इसके हिंदी में कई नाम है बेटा विविधतानुपातन। ठीक है बेटा अभी समझ में आ जाएंगे। सारी बड़ी आसान सी हैं रिएक्शंस। ध्यान देना इसमें क्या होता है टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज्ड। हाँ गुड इवनिंग सर। अभी स्टार्ट किए क्या? हाँ हाँ बिल्कुल अभी स्टार्ट किया। दो भिन्न 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 अणुओं बोल लो यौगिकों का ऑक्सीकरण प्लस रिडक्शन होता है इसमें। इसमें क्या होता है बेटा एक ही यौगिक सिंगल कंपाउंड बट टू डिफरेंट एलिमेंट्स। एक ही यौगिक लेकिन दो भिन्न भिन्न तत्व। दो भिन्न भिन्न तत्व। दो भिन्न भिन्न तत्व। इसके अंदर आपके पास क्या आएगा सिंगल कंपाउंड विथ सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट
एक ही योगी उसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। अब तीनों के अपन एग्जांपल समझते हैं, आपको बिल्कुल बेहतर बिल्कुल समझ में आ जाएंगे तीनों के एग्जांपल। देखो आप ध्यान देना, ठीक है, जिंक प्लस CuSO4, इससे बना आपके पास ZnSO4 प्लस कॉपर। अब आप समझना बेटा मेरी बात, ठीक है। देखो जिंक का 0 से +2, इस पूरे जिंक का तो क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण हो रहा था। बीच में साइन प्लस इंपॉर्टेंट है, कॉपर की बात करें तो +2 से 0, तो अपन बोलेंगे इस पूरे यौगिक का क्या हो रहा था, अपचयन। तो दो अलग अलग यौगिक हो गए। और देखो एग्जांपल, अगर ये समझ में नहीं आया तो Na+ ½ Cl2, इससे बन रहा है आपके पास NaCl। सोडियम का तो 0 से कितना हो गया +1, ये ऑक्सीकरण हो रहा है। और पूरे Cl2 का मतलब बीच में साइन प्लस इंपॉर्टेंट है, बीच में साइन प्लस, Cl2 का 0 से -1, ये क्या हो रहा है, इसका अपचयन। अब ध्यान दो बेटा, अगर इसी में अपन ऐसी रिएक्शन की बात करें, मान लो ये रिएक्शन है आपके पास ZnO, इससे बन रहा है जिंक प्लस ½O2। आप ध्यान से समझना मेरी बात को, जिंक का +2 से 0, ये तो क्या हो रहा है इसका बेटा, अपचयन हो रहा है, जिंक का अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का -2 से 0, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही कंपाउंड का हो रहा है, एक ही यौगिक का हो रहा है, पर एक ही यौगिक में क्या है, तत्व अलग अलग है। एक बार जिंक तत्व था, एक बार क्या था, ऑक्सीजन तत्व था। और देखो एग्जाम्पल, इसी के एक और एग्जाम्पल देखो, अगर अपन एक और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे PCl5 है, इससे बन रहा है आपके पास PCl3 + Cl2। अब आप ध्यान देना, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से +3, फास्फोरस का अपचयन हो रहा है, क्लोरीन का -1 से 0, ऑक्सीकरण। तो बेटा एक ही यौगिक के अंदर दो अलग अलग तत्वों का ऑक्सीकरण अपचयन होता है, तो वो क्या होता है आपके पास, इंट्रामोलिकुलर। और इंग्लिश में देखो नाम पे ध्यान देना, इंटरनेशनल मैच होता है ना, जैसे दो अलग अलग नेशन के बीच में, तो वो तो क्या हो गया, इंटरनेशनल इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स। जब एक ही नेशन के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में, तो इंट्रानेशन मैच होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। विषम अनुपातन ऑटो रिडॉक्स में क्या है बेटा, ये आप समझना ध्यान से। ये देखो जैसे H2O2 है, ठीक है, इससे बन रहा है आपके पास H2O + ½O2। बेटा आप ध्यान देना, देखो क्या है, हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 था, हाइड्रोजन का यहाँ भी, इसमें कोई चेंज नहीं है। परऑक्साइड है, ये परऑक्साइड में मुझे पता है ऑक्सीजन का -1 से -2, ये तो रिडक्शन हो रहा है। और -1 से 0, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीजन का ही क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। दो एलिमेंट थे लेकिन एक ही एलिमेंट का, वो भी कौन सा एलिमेंट का, ऑक्सीजन का ही, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, विषम अनुपातन अभिक्रिया, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, असमानुपातन, विकृत अनुपातन अभिक्रिया। बेटा आप क्या है, इस पे आपको बहुत सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन, लेकिन बहुत फ्री के मार्क्स है, ठीक है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स होंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा, आइडेंटिफाई करने को बोलेगा। इंट्रा अंतर, ऑटो स्वतः और नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। नॉन रिडॉक्स का मतलब हो गया जो रिडॉक्स नहीं है, ठीक है।
तो आप ध्यान दो बेटा, जैसे ये अभिक्रिया है, मान लो उसने पूछा NaOH plus HCl, इससे मैंने बनाया NaCl plus water। अब देखो सबके ऑक्सीडेशन नंबर पता होने चाहिए, सोडियम का प्लस वन से प्लस वन ही है, क्लोरीन का माइनस वन से माइनस वन ही है, ऑक्सीजन का माइनस टू से माइनस टू ही है, तो किसी भी के भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं है, हाइड्रोजन का प्लस वन से प्लस वन ही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में अगर चेंज नहीं है तो इसको क्या नाम दे दोगे आप, नॉन रिडॉक्स नाम दे दोगे, ये अरिडॉक्स अभिक्रिया है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। मान लो आपको ऐसा दे रखा है N2 plus 3H2, ध्यान देना इससे आपको बना के दिया इसने 2NH3, ठीक है। अब ध्यान देना ऑक्सीडेशन नंबर पे जाए अपन, तो जीरो से कितना हो रहा है माइनस थ्री, इसका तो अपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन का जीरो से कितना हो रहा है प्लस वन, इसका ऑक्सीकरण दो अलग अलग का हो रहा है, दो अलग अलग का, तो बेटा मैं इंग्लिश में लिख दू, चलो दोनों में लिख देता हूं, तो ये तो हो गया इंटर अंत है, अंतर अंतर दो अलग अलग के बीच में, ठीक है। और ध्यान दो बेटा इस पे, ध्यान देना ढंग से, देखो ये है बेरियम परऑक्साइड, बेरियम परऑक्साइड BaO2, ये ध्यान से समझना, इसकी दो रिएक्शन ढंग से समझना, एक तो इसने अगर गर्म करने की ये रिएक्शन दी प्लस हाफ O2, तो इसका रिजल्ट अलग आएगा, लेकिन अगर इसने एक रिएक्शन ये दी BaO2 बेरियम प्लस O2, इसका रिजल्ट अलग आएगा, आप ध्यान से देखना और समझना बेटा, मेन है ऑक्सीकरण, बेरियम का तो हमेशा प्लस टू रहता है, बेरियम का प्लस टू, बेरियम का प्लस टू, बेरियम का यहां पर जीरो क्योंकि किसी और के साथ जुड़ा हुआ नहीं, यहां पर ये पर ऑक्साइड है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन से माइनस टू, तो इसका अपचयन भी हो रहा है और माइनस वन से जीरो ऑक्सीकरण भी हो रहा है, जब एक ही तत्व का ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है तो वो कैसी हो जाती है बेटा, ऑटो रिडॉक्स, ऑटो रिडॉक्स, तो ये क्या हो जाएगी विषम अनुपातन, विषम अनुपातन, ठीक है। जबकि आप ये देखो यहां पर ऑक्सीजन का माइनस वन से केवल एक ही परिवर्तन है, देखो बेरियम का प्लस टू से जीरो ये तो अपचयन हो गया, माइनस वन से जीरो ये ऑक्सीकरण, अलग अलग तत्व का ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है तो वो कैसी हो गई बेटा, इंट्रा मॉलिकुलर, इंट्रा अंत अणु, तो जो देखो मेनली तो क्या है, जो शुरू में परिभाषा लिखाई है वही है मेन, इसमें कुछ फेमस रिएक्शंस होती हैं, जैसे आपको पता होगा Cl2 की रिएक्शन NaOH से कराते हैं, तो ये बनता है आपके पास एक तो NaOCl प्लस NaClO3 बनता है, तो क्लोरीन का जीरो से माइनस वन ये तो अपचयन होता है, और क्लोरीन का ही जीरो से यहाँ प्लस फाइव आता है ऑक्सीकरण, एक ही यौगिक में एक ही तत्व का ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होना, ये कौन सी रिडॉक्स होती है, ऑटो रिडॉक्स, तो ये क्लोरीन की बड़ी फेमस रिएक्शन होती है, इसी तरीके से एक फास्फोरस की भी रिएक्शन होती है, बड़ी फेमस रिएक्शन होती है P4+NaOH+H2, ये है आपके पास NaH2PO2+PH3, बेटा फास्फोरस का जीरो से यहाँ चेक करोगे तो प्लस वन आता है, जीरो से प्लस वन तो ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ चेक करोगे तो माइनस थ्री आता है, जीरो से माइनस थ्री अपचयन, तो एक ही यौगिक में एक ही तत्व का ऑक्सीकरण अपचयन, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ऑटो रिडॉक्स। कुल मिला के कहानी इतनी सी है बेटा, अगर आपसे ऑक्सीकरण अपचयन मतलब सॉरी इंटर इंट्रा और ऑटो पूछा जाए तो आप इस तरीके से चेक करेंगे कि अगर एक ही यौगिक में, बेटा आप देखो बहुत आसान करते हैं, दो अलग अलग यौगिक है तो कौन सा है? इंटर, एक यौगिक में दो अलग अलग तत्व है तो इंट्रा, एक ही यौगिक में एक ही तत्व का एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो ऑटो रिडॉक्स या डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद बेटा अपन बात करेंगे, सर एक बार फिफ्थ वाले दिखाओ ना। हाँ सर फिफ्थ वाला का, ये क्लोरीन है बेटा, ये क्लोरीन है सर, इसका NaClO3, हाँ वही समझ में नहीं आ रहा था वो Cl है कि क्या है।
हाँ वो डीजे से दिख रहा था मेरे को भी, थैंक यू क्लोरीन, ठीक है। अब बेटा इसके बाद शुरू होगा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीकारक व अपचायक, ऑक्सीकारक व अपचायक। बेटा बहना प्लीज एक काम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हिंदी मीडियम वाले भी ये और रिड्यूसिंग एजेंट का तुल्यांकी बार, ये तुल्यांकी बार को भी मैं EW से लिखूंगा, इक्विवेलेंट वेट से। बहुत सारे एग्जांपल करने वाले हैं, ठीक है। पहले इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है ई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट, जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा अपॉन, ये आता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल प्रति अणु स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये अणु भार होता है, ठीक। हालांकि ये देखो बेसिक फॉर्मूला ही होता है, फॉर्मूला नंबर एक ही होता है, ठीक है। लेकिन जो अपन फॉर्मूला यूज में लेने वाले हैं, अपन जिसको शॉर्ट ट्रिक बोल लो, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ये फॉर्मूला आएगा आपके पास अणु भार बटे में टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक में कुल कमी या वृद्धि। बेसिकली ये फॉर्मूला काम में लगेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला नंबर टू। अब ध्यान देना बेटा सर, एस ई का मतलब शॉर्ट ट्रिक। हाँ शॉर्ट ट्रिक, सर एक बार ऊपर करो तो थोड़ा सा। हाँ हो गया। अब ध्यान देना बेटा, देखो अपने पास क्या है, कई और चैप्टर में भी, ठीक है, कई और चैप्टर में भी अपन क्या करेंगे, जो इक्विवेलेंट वेट है उसका हमेशा एक कॉमन फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे अपन। ये कहता है हमेशा ये फॉर्मूला होता है, ऑलवेज किसी भी चैप्टर में, ऑलवेज चाहे वो रिडॉक्स हो या नहीं हो। तो अपन क्या करते हैं, कॉमनली फॉर्मूला बता देते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। भाई जब भी तुल्यांकी भार आता है तो अणु भार में किसी ना किसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं, इसको वैलेंस फैक्टर भी बोलते हैं, वैलेंस फैक्टर, ठीक है। और जो शॉर्ट है उसमें VF लिखते हैं। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, मैं तुल्यांकी भार का जो फॉर्मूला है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में अणु भार बटे में VF करके लिखूंगा, वैलेंस फैक्टर। बेटा ये चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है, आप इस बात को ढंग से समझ लें, ठीक है। तुल्यांकी भार का एक कॉमन फॉर्मूला आएगा, अणु भार बटे में किसी ना किसी फैक्टर से अपन डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देना बेटा, ठीक है, अपने को कैसे इसमें तुल्यांकी भार निकालना है, बिल्कुल आगे बढ़ते जाएंगे अपन। टाइप पे सर वो एन माइनस फैक्टर है क्या? नहीं, एन फैक्टर है बेटा, एन फैक्टर। वो डैश लगा,
और फैक्टर किसको बोलेंगे सर? अभी देखते हैं, जिससे भी डिवाइड करेंगे, एक से, दो से, तीन से, जो भी आएगा। टाइप ए है आपके पास सिंपल टाइप। देखो जैसे मान लो आपको दे रखा है एन टू से रिएक्शन दे रखी है और बना रखा है एन एच थ्री। अब आप ध्यान देना बेटा, तुल्यांक की भार कैसे निकालेंगे? नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अंक देखो, जीरो से कितना हो रहा है माइनस थ्री, कितने का चेंज है बेटा? तीन का। आपको तुल्यांक की भार पूछा एन टू का, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? अणु भार बटे में वैलेंस फैक्टर। अणु भार बेटा, एक नाइट्रोजन का भार होता है 14, 14, तो दो नाइट्रोजन का हो गया 28। अच्छा ऑक्सीकरण अंक में कुल कमी बेटा देखो, एक के लिए कमी कितने की आई है? तीन की। पर यौगिक में कितने नाइट्रोजन थे? दो, तो कुल कमी कितने की आ गई? छह की। तो ये आ जाएगा 28/6, यही इसका रिजल्ट होगा। समझ रहे हैं मेरी बात ध्यान से? हाँ, और एग्जांपल देखो, अगर इसी में तुल्यांक की भार NH3 का पूछा है, ठीक है, तो अणु भार बटे में वैलेंस फैक्टर, यही फॉर्मूला लगाया। अब अमोनिया का बेटा, नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 3, तो टोटल सम कितना आ गया? 17। ये 17 आ गया। हाइड्रोजन का देखो बेटा, ये सॉरी नाइट्रोजन का यहाँ पर कितना, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो माइनस तीन से कितना हो रहा है? जीरो। कितने का है? तीन की वृद्धि है, और कितने नाइट्रोजन है कंपाउंड में? एक ही नाइट्रोजन है, तो 3 × 1, तो ये कितना आ जाएगा? 17/3 आ जाएगा। ठीक है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ बेटा, मैं धीरे धीरे है ना आपको और एग्जांपल, ठीक है, आप और एग्जांपल देखते जाएं, ऐसे आपको नहीं आएगा समझ में। आप देखो जैसे ये लिखा हुआ है P4 से PH3 लिखा हुआ है, आप ध्यान दें, मुझे दोनों के तुल्यांक की भार निकालने हैं दोनों के। मैंने क्या बोला, यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक जीरो से फॉस्फोरस का -3 आया, इसका तुल्यांक की भार क्या आएगा? इसका अणु भार बटे में, ये M जो लिख रहा हूं मैं, इसको शॉर्ट में अणु भार। ठीक है, अब अणु भार नहीं, उत्तर भी इसी फॉर्म में पूछेगा। अब देखो जीरो से माइनस तीन कितने का है बेटा, कितने की कमी है? तीन की। लेकिन इस यौगिक में कितने फास्फोरस है? चार। अच्छा एक और खास बात, ठीक है, एक और खास बात, आगे यहाँ चार लिखा उसका कोई रोल नहीं होता, इसका कोई रोल नहीं होता, कंपाउंड में कितने फास्फोरस है इसका हमेशा रोल रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, M बाई कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। जबकि इधर से इधर जाओगे तो बेटा इस वाले का तुल्यांक की भार कितना आएगा? M बटा, देखो माइनस तीन से नहीं लिखेंगे फास्फोरस का। क्या बेटा? ये फास्फोरस का मॉलिकुलर वेट नहीं लिखेंगे। हाँ हाँ, वो तो मैंने लिखा नहीं ना, वो जरूरत नहीं है, मतलब अणु भार जो भी लिखा जाना है वही लिखेंगे। अब बार बार अणु भार नहीं लिखेंगे ना अपन। हाँ ठीक है। आप मेन बात जो नीचे वैलेंस फैक्टर आएगा ना उस पे ध्यान दो बेटा। आप मेरे को ये बताओ ये 12 क्यों आया, आपको आगे बात समझ में? 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया, ये बात समझ रहे हो आप? यस सर। अच्छा इस वाले में माइनस तीन से जीरो, 3 × 1, केवल एक ही लेंगे इसमें, तो एम बाई थ्री क्यों लिखेंगे अपन, ये बात समझ रहे हो आप? क्योंकि इस कंपाउंड में फास्फोरस कितने? एक ही है। ठीक है बोलो बेटा। और देखो एग्जाम, और देखो, और देखो एग्जाम, बात खत्म नहीं हुई है। आप देखो K2Cr2O7 इससे बन रहा है Cr+3। बेटा आप ध्यान देना, क्रोमियम का यहाँ +6 से कितना हो रहा है? +3। कितने की कमी है बेटा? तीन की कमी है। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, M बाई बेटा ये कंपाउंड में कितने क्रोमियम है? दो। तो तीन की कमी तो 3 × 2, तो ये कितना आ जाएगा? M/6 आ जाएगा। इधर से इधर जाएंगे तो तीन की वृद्धि थी, लेकिन इसमें क्रोमियम एक ही है, एम बाई कितना हो जाएगा? केवल 3 हो जाएगा। अरे समझ रहे हो बात? बोलो। यस सर।
और देखो, और देखो एग्जांपल, परेशान नहीं हो आप, और एग्जांपल देखो। अब जैसे मान लो आपके पास के एम एन ओ से बन रहा है एम एन। अब ध्यान देना बेटा, मैग्नीज का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस सेवन से प्लस टू। बेटा कितने की कमी है यहाँ से यहाँ तक में, पांच की। और इसमें मैग्नीज कितने, एक ही है ना, तो केवल पांच रह जाएगा। यहाँ प्लस टू से प्लस सेवन कितने की वृद्धि है, पांच की, तो यहाँ भी कितना रहेगा, एम बाई फाइव रहेगा। सर हाँ भाई सर, इसमें अगर मैग्नीशियम के साथ साथ ऑक्सीजन वगैरह के में भी कमी होता तो। हाँ वो अभी आएगा वो, इसीलिए पहले केस को सिंपल कर रहे हैं। मैक्सिमम ये वाले केस होंगे, मैक्सिमम ये केस होंगे, लेकिन केस सारे स्टडी करेंगे अपन, ऐसा नहीं परेशान हुआ। ठीक है सर, रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी नहीं है। नहीं, कोई बैलेंस नहीं करना है उल्टा बैलेंसिंग का। आगे मान लो यहाँ दो लिखा हुआ है, यहाँ दो लिखा हुआ है, तो इस दो का कोई रोल भी नहीं होता है। जो कंपाउंड में है ना वही काम के होते हैं, आगे कितना लिखा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बेटा। यस सर। और देखो ऐसा लिखा हुआ है आपके पास C12H22O11, इससे बना रखा है इसने H2C2O4। देखो पहला काम होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। भाई मुझे पता है हाइड्रोजन का हमेशा प्लस वन होता है, ऑक्सीजन का माइनस टू, हाइड्रोजन का प्लस वन, ऑक्सीजन का माइनस टू, देखना सभी एलिमेंट का होता है, पर जिसमें चेंज नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं। अब कार्बन का आपने लिखा 12x प्लस 22 माइनस 22 इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, कार्बन का जीरो आ गया। यहाँ 2 प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ x इज इक्वल टू प्लस 3 आ गया, कार्बन का प्लस 3 आ गया। ठीक है एम बाई। अब मैं सीधे चाहूंगा आप लोगों से आंसर, जीरो से अगर प्लस 3 हो रहा है, आप सीधे बताओ एम बाई ये वैलेंस फैक्टर कितना लिखूंगा। 36 लिख दो बेटा। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर। क्योंकि देखो कितने का इंक्रीज है, तीन का इंक्रीज है, तीन का इंक्रीज है, और टोटल कार्बन कितने हैं, 12, तो ये कितना हो जाएगा 36। जबकि रिवर्स में आएंगे, इस वाले में लिखेंगे तो एम बाई कितना लिखूं इस वाले में, बोलो सर। 2 × 3 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अरे समझ रहे हो मेरी बात, बोलो बेटा। यस सर। और देखो बेटा, और देखो एग्जांपल, अगर ऐसा लिखा हुआ है H2C2O4, इससे लिखा हुआ है CO2, ऑक्सीडेशन नंबर मैंने लिखा है यहाँ प्लस 3 से प्लस 4 हो रहा है एम बाई। पहले वाले में बताओ, पहले वाले मतलब रिएक्टेंट साइड में बताओ, एम बाई टू, यहाँ पर एम बाई, प्रोडक्ट साइड में बताओ एम बाई वन होगा ना। कितने का, चाहे यहाँ 2 लिखा होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी यहाँ कितना होता 1, इस 2 का कोई लेना देना नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, आ रही है बेटा बात समझ में? और दो और एग्जांपल दो। मान लो ऐसा लिखा हुआ है FeO लिखा हुआ है, Fe2O3 लिखा हुआ है, आयरन का प्लस 2 से यहाँ कितना हो रहा है प्लस 3। ठीक है, यहाँ एम बाई कितना लिखूं और यहाँ एम बाई कितना लिखूं? पहले वाले में बोलो M/2, M/3। पहले वाले में एम बाई प्लस 2 से प्लस 3 कितने का चेंज है बेटा, 1 का ही तो है, 1, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, बोलो बेटा। और देखो बेटा,
ये देखो PbS लिखा हुआ है, से लिखा हुआ है PbSO4। यहां ये कह रहा है Pb का तो दोनों तरफ प्लस टू है, यहां भी प्लस टू है, सल्फर का माइनस टू से कितना हो रहा है प्लस सिक्स। बट आप माइनस टू से प्लस सिक्स चार का अंतर नहीं बोलेंगे, पहले माइनस टू से जीरो दो की वृद्धि, फिर जीरो से छह, तो टोटल वृद्धि कितने की आएगी बेटा, आठ की। पहले बताओ ये आठ की वृद्धि इंक्रीज कितने का आएगा, एट का। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। तो सल्फर एक ही है इसलिए ये कितना हो जाएगा एम बाई कितना हो जाएगा एट, यहां भी सल्फर एक ही है इसलिए ये भी कितना हो जाएगा एम बाई एट हो जाएगा। और देखो बेटा एग्जांपल, ये लिखा हुआ Na2S2O3, इससे लिखा हुआ Na2S4O6। बट अपना काम ये होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर सबके देखे, बाई चांस सोडियम का सभी में प्लस वन है, ऑक्सीजन का माइनस टू है, सल्फर का जब चेक करोगे तो यहाँ प्लस टू आएगा और यहाँ सल्फर का प्लस 2.5 आएगा, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना बेटा, अब आपको रिजल्ट रिपोर्ट करना है तुल्यांक की बार का, एम बाई, मैं चाहूंगा कि आप सीधे रिजल्ट बताएं, एम बाई इस वाले में कितना लिखो, प्लस टू से 2.5 है ना, एम बाई वन 0.5 की वृद्धि है, लेकिन कितने सल्फर है, दो इंटू टू करेंगे सर, टू इंटू 0.5 होगा, यहाँ 0.5 की कमी है तो 0.5, लेकिन यहाँ सल्फर कितने है? चार है, तो ये वाला तो एम बाई वन आ जाएगा और ये वाला कितना आ जाएगा एम बाई टू। बेटा देखो थ्योरी तो यही लगनी है, आप कितने भी एग्जाम्पल लेते जाओ बेसिकली थ्योरी यही लगती है। आपको आ रही है मेरी बात समझ, बोलो? यस सर। ठीक है, इनसफिशिएंट मैंने एग्जांपल ले ली, ठीक है। अच्छा अब बेटा मैं टाइप बी में आता हूँ, टाइप बी, जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स में इंक्रीज या डिक्रीज है, तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, तो वही वो बस टोटल वाला ही फॉर्मूला है, टोटल का ही मतलब है, अभी आपको समझ में आ जाएगी बात। और ये जो पहला एग्जांपल ले रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, फेरस ऑक्सलेट। ये बदलता है Fe+3+CO2। बेटा ये बड़ा स्पेशल है, ये मैं भी जो भी स्पेशल केसेस हैं जो स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती करते हैं, बेटा ये होता है Fe2O4, इससे बन रहा है Fe+3+CO2। अब ध्यान देना बेटा, आपसे जब ये पूछा जाता है तो पहली बात तो स्टूडेंट इसके ऑक्सीडेशन नंबर आपको ये पता होना चाहिए कि ये इन दो का सम होता है Fe+2+C2O4-2। जब इससे देखते हैं तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू आता है और ऑक्सलेट आयन से देखोगे तो कार्बन का कितना आएगा प्लस थ्री। तो देखो आयरन का तो प्लस टू से कितना आया प्लस थ्री यहाँ पर, तो बेटा इसमें कितने का, इसमें इंक्रीज हुआ, कितने का इंक्रीज, वन का। कार्बन का प्लस थ्री यहाँ कितना हो गया प्लस फोर, तो प्लस थ्री से प्लस फोर, इसमें भी इंक्रीज कितने का हुआ वन का, लेकिन क्योंकि इसमें दो कार्बन थे तो टोटल इंक्रीज कितने का आया दो का। बेटा अब मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं उसमें या तो केवल इंक्रीज है या केवल डिक्रीज है, लेकिन एक से ज्यादा एलिमेंट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो बेटा अब क्या हो गया दोनों को सम कर देंगे अपन, तो बेटा मॉलिक्यूलर वेट जो इक्विवेलेंट वेट आएगा, किसकी बात कर रहे हैं अपन, Fe2O4 की बात कर रहे हैं, तो इसका अणु भार बटे में 1+2 टोटल कितना आ जाएगा 3, तो ये रिजल्ट 3 आ जाएगा m/3। अरे समझ रहे हो मेरी बात,
सर वंस मोर मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ बोलो बेटा। मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ भाई। है कुछ भी नहीं, आप यूं समझो, आप मेरी बात को आसान तरीके से समझो, ठीक है? आप सभी ध्यान दें। अभी तक जो इससे पहले 9 एग्जांपल लिए थे अपन ने, इन सब में क्या हो रहा था, एक ही एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा था भाई। जैसे सोडियम में कोई चेंज नहीं था, अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 9 नंबर, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं था, सल्फर का ही केवल चेंज हो रहा था +2 से +2.5, ये केवल सल्फर का चेंज हो रहा था, केवल सल्फर का। इसलिए आसान था कि टोटल इंक्रीज डिक्रीज देख लिया। पर वो कह रहा है कि जब अपन ने ध्यान से देखा तो इसमें आयरन का भी चेंज हो रहा है और कार्बन का भी। जो भी एक स्टूडेंट ने, एक बच्ची ने पूछा भी था कि सर 2 का चेंज हो जाए, तो अगर दोनों में इंक्रीज है तो मैं पहले ये चेक करूंगा दोनों में भैया क्या हो रहा है। मैंने चेक किया, आयरन में भी इंक्रीज है +2 से +3, कार्बन में भी इंक्रीज है +3 से +1। हाँ ये क्लियर कर दूं बेटा मैं आपको, जो इससे पहले 2 लेक्चर में मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया, अगर किसी को ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं आता है तो फिर ये सब बेकार है। तो आप एक बात तो मान लें कि भैया ये सारी, या इसके बाद अभी इसकी बैलेंसिंग भी आएगी रिडॉक्स रिएक्शन की, बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, ठीक है? वो एग्जाम में आता ही, आप मान के चलो, तो बैलेंसिंग है, तो वो सारी चीजें भैया ऑक्सीडेशन नंबर से ही है सारी चीजें। पहली बात, ऑक्सीडेशन नंबर आना तो जरूरी है। अब अपन ये नहीं है कि यहाँ पर ये उलझेंगे कि आयरन का सर +2 क्यों आया, ये सारा मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, या ऑक्सलेट में कार्बन का +3 क्यों आया, तो वो इक्वेशन बना के आएगा, तो वो सब मैं बता चुका हूँ आपको। मैं अभी क्या बता रहा हूँ, अगर 2 एलिमेंट का इंक्रीज आया तो दोनों को सम कर देंगे, क्योंकि शब्द क्या था अपना, टोटल था भाई, टोटल इंक्रीज डिक्रीज, तो टोटल इंक्रीज 3 का हो गया ये। अगर आपको एक एग्जाम्पल में समझ में नहीं आई बात, तो मैं ऐसा नहीं है, बात को कभी अधूरी नहीं छोड़ूंगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, Cu3P, ये बदल रहा है आपके कॉपर +2 में +H3PO4 में। मैंने जैसा बोला आपको, मैं बिल्कुल अधूरी बात नहीं छोड़ेंगे। देखो क्रॉस वैलेंसी से पता चला कॉपर का +1 था, यहाँ कॉपर का कितना आ गया +2, +1 से +2, तो मैं, मेरे को बोलना पड़ेगा कि कॉपर में तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और एक का इंक्रीज है लेकिन टोटल कॉपर 3 है, तो इंक्रीज 3 का आ गया। फास्फोरस का देखूंगा तो यहाँ -3 से +5 हो रहा है, -3 से +5 भी बेटा क्या है, इंक्रीज है, तो यहाँ भी इंक्रीज है, -3 से +5 8 का इंक्रीज है, और एक ही फास्फोरस है इसलिए, तो मेरे पास जो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा Cu3P का m बटे में, बेटा टोटल दोनों इंक्रीज है तो 3+8 कितने का इंक्रीज आ गया, 11 का, तो मुझे आंसर क्या बोलना पड़ेगा, m/11 बोलना पड़ेगा। मतलब 2 एलिमेंट का इंक्रीज था तो दोनों का मैंने इंक्रीज ले लिया बेटा। सुन रहे मेरी बात ध्यान से, बोलो ठीक है? अभी भी मैं बात अधूरी नहीं छोड़ रहा हूँ, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? आप ध्यान देना, As2S3 है, ठीक है? इसने बदला इसको AsO4 -3+, इसने बदला इसको SO4 -2, ठीक है? अब ध्यान देना बेटा, क्रॉस वैलेंसी से मुझे पता चला आर्सेनिक का तो यहाँ +3 होगा और सल्फर का -2, +3 से +5 बेटा ये था इंक्रीज, तो मैंने लिख दिया इंक्रीज, कितने का इंक्रीज था, 2 का, और इसके अंदर सल्फर भी 2 थी, तो टोटल इंक्रीज 4 का आ गया। मैंने सल्फर में देखा तो -2 से बेटा ये हो रहा था +4, -2 से +4 भी मेरे पास क्या था, इंक्रीज था, तो मैंने लिख दिया इंक्रीज 6 का, पर इसमें सल्फर कितनी थी, 3 थी, 6 का नहीं, ये +6 है, सॉरी ये +6 है, ये +6 है, तो टोटल इंक्रीज कितने का हो गया बेटा, 8 का, 8 का इंक्रीज आ गया, 8 का, 8 × 3 तो बेटा ये 24, तो 2 एलिमेंट्स के कारण टोटल इंक्रीज कितने का आया, 28 का, तो Eas2S3 ये कितना आ जाएगा, m by कितना,
24 प्लस 4 28 आ जाएगा, बेटा ये रिजल्ट आ जाएगा। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? यस सर। अगर एक का डिक्रीज होता और एक का इंक्रीज, ठीक है। अब देखो टाइप ए और बी, मैं आपको बता दूं, ए बी, इसके बाद क्या आएगा अपने पास, टाइप सी भी आएगा, ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से, टाइप डी भी आएगा। टाइप सी और डी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके यूज में कभी नहीं आएंगे, लेकिन ये टाइप सी बता रहा हूं मैं, टाइप सी, ठीक है, यूज में नहीं आएंगे, नहीं यूज में नहीं आएंगे, लेकिन पता होना चाहिए आपको, पता होना चाहिए। देखो इंक्रीज डिक्रीज दोनों है, तो इंक्रीज माइनस डिक्रीज ले लो, इसका डिफरेंस ले लो, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज दोनों होने पर, इंक्रीज डिक्रीज दोनों होने पर, इंक्रीज डिक्रीज दोनों होने पर, दोनों का डिफरेंस ले लो, देखो अभी समझ में आ जाएगी बात। जैसे ये एग्जांपल Fe2O3 है, इससे बन रहा है Fe+2 प्लस O2। बेटा आप ध्यान देना, आयरन का यहाँ प्लस 3 था, प्लस 3 से प्लस 2, तो बेटा आयरन पे मैंने लिख दिया डिक्रीज। डिक्रीज कितने का है, 1 का है, टोटल आयरन 2। ऑक्सीजन का यहाँ माइनस 2 से 0 हो रहा है, माइनस 2 से 0 क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, 2 का इंक्रीज है और 3 ऑक्सीजन के लिए 6 का। बेटा 2 का तो डिक्रीज था और 6 का इंक्रीज था, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस 4 का आ गया बेटा, तो आप इस वाली रिएक्शन में Fe2O3 का क्या बोलेंगे, तुल्यांक की भार, m / कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बेटा आ रही है मेरी बात समझ में? आगे समझो, देखो थ्योरी बड़ी आसान सी है, हालांकि मैं और एग्जांपल, क्योंकि इसकी जरूरत कम पड़ती है, बाकी हैं एग्जांपल्स, ऐसे नहीं है पर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पर आपको लॉजिक आ गया ना समझो, टोटल इंक्रीज और डिक्रीज लेना है। पर इसमें एक और केस आ सकता है, ये है अब क्या है, अगर इंक्रीज डिक्रीज इक्वल हुआ तो कोई एक वैल्यू ले लो, कोई एक वैल्यू ले, अभी आ जाएगी बात समझ। मान लो Zn, ठीक है, जिंक प्लस हाफ O2। अब ध्यान देना बेटा, जिंक का यहाँ प्लस 2 से कितना हो रहा है, 0, ये तो हो गया डिक्रीज, डिक्रीज 2 का हुआ और एक ही जिंक है, 2 का डिक्रीज हो गया। ऑक्सीजन का माइनस 2 से 0 आया, ये इंक्रीज है बेटा, ये इंक्रीज आया, इंक्रीज फिर 2 का 2 × 1। अब दोनों इक्वल है, इंक्रीज तो ऐसा नहीं है कि जीरो रिजल्ट बोल दोगे, इंक्रीज डिक्रीज इक्वल होंगे तो जो तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट फेट आएगा वो कोई एक वैल्यू ले लो, m/2 ले लो। आ रही है मेरी बात समझ? बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ सर, कोई सा भी ले सकते हैं? हाँ, दोनों इक्वल ही तो होगा ना बेटा, दोनों इक्वल ही होगा ना, कोई सा भी ले लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। थैंक यू। हाँ बेटा होता है हल्का सा, लेकिन उससे अभी अभी कोई लेना देना नहीं, मैं लास्ट में बता दूंगा, अभी इसको टॉपिक को चलने दे बेटा अपन आगे, आप इस कॉन्टिन्यूटी को प्लीज नहीं तोड़े, ठीक है। हाँ अब देखो मैं आपको है ना आसान तरीके से मैं आपको चीजें बताता हूँ। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है Ab2C3M7 ऐसा, अगर मान लो इसका ऑक्सीडेशन नंबर
प्लस थ्री से प्लस सेवन हो रहा है, तो जो तुल्यांकी भार होगा वो एम बाई कितना हो जाएगा बेटा, चार का इंक्रीज है ना, लेकिन यहाँ कार्बन ये सी कितने है? 12 हो जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा अब मान लो इसी कंपाउंड ए बी टू सी थ्री एम सेवन में इसका प्लस थ्री से प्लस सेवन हो रहा है और इसका प्लस टू से प्लस चार का डिफरेंस है ना प्लस फाइव हो रहा है, दो में इंक्रीज आ रहा है, तो इसमें जो इंक्रीज आया ये कितने का आया बेटा, तीन इंटू दो छह का इंक्रीज आया, इसमें इंक्रीज कितना आया बेटा, इंक्रीज आ रहा है चार इंटू तीन बारह का, अगर दोनों इंक्रीज है तो आप क्या करोगे एम वाई कितना कर दोगे बेटा, 18 कर दोगे, बेसिक थ्योरी समझना आप, दो इंक्रीज है तो दोनों को क्या कर दोगे बेटा, ऐड कर दोगे, अरे आ रही है बात समझ में, बोलो बेटा। यस सर। मान लो ऐसा है ए बी टू सी थ्री एम सेवन इसका प्लस थ्री से प्लस सेवन हो रहा है, ठीक है, इसका मान लो प्लस टू से प्लस वन हो रहा है, ठीक। अब अपन क्या बोलेंगे आप समझो, अपन बोलेंगे प्लस टू से प्लस वन, ये तो क्या हो गया डिक्रीज हो गया, डिक्रीज कितने का है वन का डिक्रीज है और टोटल डिक्रीज टू का आ गया, ये प्लस थ्री से प्लस सेवन इंक्रीज हो रहा है, चार का बारह का इंक्रीज है, तो बेटा इंक्रीज डिक्रीज दोनों होंगे तो दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया टेन का, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा एम बाई टेन, अरे समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अब इसी में एक लास्ट केस आएगा, मान लो ये है ए बी टू सी थ्री एम सेवन, ये प्लस फोर से मान लो प्लस सेवन हो रहा है, प्लस सेवन हो रहा है, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है प्लस तीन नौ हो गया ना, प्लस थ्री किया था मैंने, ये मान लो प्लस थ्री, प्लस थ्री से चार बारह आ गया, ये आ गया छ का होना चाहिए, ये आ रहा है प्लस वन से, ये भी प्लस सेवन आ रहा है, अब देखो इसमें क्या आ रहा है बेटा, इंक्रीज आ रहा है, ये आ रहा है प्लस सेवन से प्लस वन, प्लस सेवन से प्लस वन, आप समझना मेरी बात, आपको आएगी बात सुन, तो इसमें क्या आ रहा है डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीज इसमें आ रहा है आपके पास डिक्रीज, डिक्रीज छह का है और दो के लिए कितने का है डिक्रीज हो गया, छह इंटू दो बारह का, इसमें इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीज कितने का आ रहा है फोर इंटू थ्री, अब बारह इंक्रीज डिक्रीज सेम आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं है जीरो बोल देंगे, तो अपन कितना बोल देंगे एम बाई टू, बेटा आ रही है बात समझ में, बोलो। यस ठीक। अच्छा देखो मैं आपको ये बता दूं, ये मैं आप लोग क्योंकि क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई हाँ सर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, पर टाइप डी आपके यूज में नहीं आएगा, आपके टाइप सी भी यूज में नहीं आएगा, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज मेनली पहला और दूसरा आएगा, और मैं आपको ये बता दूं बेटा ये जो फेरस ऑक्सलेट वाला है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखा है, बहुत मीनिंगफुल है, ये आपके नीट में मतलब ये रिएक्शन देके इसने जेई मेंस में इवन एडवांस में ये पूछा हुआ है कि फेरस ऑक्सलेट का यहाँ तुल्यांकी भार कितना होगा, तो आपका रिजल्ट एम बाई थ्री बेटा फेरस ऑक्सलेट का, क्योंकि ये टाइट्रेशन अनुमापन में प्रैक्टिकल में काम में आता है, हालांकि मैं चैप्टर के लास्ट में बोलूंगा अभी क्योंकि मैं लॉजिकली सारा समझा रहा हूँ, मैं आपको बोलूंगा बेटा और कुछ नहीं तो कम से कम एग्जाम के लिए फेरस ऑक्सलेट का ये होगा, इसको याद करके चले जाए, टाइट्रेशन में एम बाई थ्री आएगा इसका तुल्यांकी भार अनुमापन में, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट की बात होगी बेटा, ठीक है ना। अब इसके बाद टाइप डी के बाद आप देखो बेटा, इसके बाद आपके पास आएगा टाइप ई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, टाइप ई इंपॉर्टेंट है बेटा, टाइप ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेटेड कंपाउंड, विषम अनुपातित, विषम अनुपातित यौगिक
तुल्यांक की बात बेटा, विषम अनुपातन वाले का बिल्कुल अलग कंसेप्ट लगेगा। पहले शॉर्ट ट्रिक बाद में बात करेंगे, पहले बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला बेटा, जो विषम अनुपातन होता है उसको डिस्प्रोपोर्शनेट ये बोलते हैं। इसका तुल्यांक की बार, इसका तुल्यांक की बार एक बार ऑक्सीकरण के कारण आएगा, एक बार अपचयन। क्योंकि आपको पता है ना विषम अनुपातन यौगिक क्या होता है, जिसका खुद का ही ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है एक ही तत्व का। तो इसमें क्या करते हैं, जो ऑक्सीकरण के कारण तुल्यांक की बार आ रहा है और जो अपचयन के कारण आ रहा है, दोनों को सम कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, शॉर्ट ट्रिक क्या लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक ये लगती है इसके अंदर, जो वैलेंस फैक्टर होता है, वैलेंस फैक्टर वो बेटा एक्स वन एक्स टू अपॉन एक्स वन प्लस एक्स टू। बेटा एक्स वन एक्स टू क्या है, एक बार ऑक्सीडेशन के कारण, एक बार रिडक्शन के कारण जो वैलेंस फैक्टर आते हैं। वैलेंस फैक्टर आपको एग्जांपल से ही बेहतर समझ में आएगा। पहला एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे मान लो सीएल टू, इससे बना रखा है सीएल माइनस प्लस सीएलओ थ्री माइनस। अब ध्यान देना बेटा, क्लोरीन का जीरो से कितना हो रहा है माइनस वन, ये तो अपचयन हो गया। जीरो से प्लस फाइव ये क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो क्योंकि विषम अनुपातन हो रहा है तो अलग से वैलेंस फैक्टर निकालना है बेटा, अलग से फॉर्मूला लिखते हैं एक्स वन एक्स टू, नीचे लिखते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू। बेटा आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखो जीरो से माइनस वन कितने का चेंज है बेटा, एक का। तो दो क्लोरीन के लिए कितने का चेंज आएगा, दो का। तो एक बार तो दो आ गया, और देखना आप जीरो से प्लस फाइव कितने का चेंज है बेटा, पांच का। दो क्लोरीन के लिए कितने का चेंज है, दस का। एक बार गुणा हो गई, एक बार जोड़ हो गया, तो दस और दो कितने हो जाएंगे, बारह, छह आ जाएगा, पांच, फिर ये कितना आ जाएगा, छ पांच बटा तीन, फाइव बाई थ्री। तो ई सी एल टू क्या लिखोगे बेटा, एम अपॉन ये लिखोगे फाइव बाई थ्री, तो ये हो जाएगा थ्री एम बाई फाइव हो जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में सर, ये दस कहाँ से है बेटा, एक क्लोरीन के लिए कितने का प्लस फाइव, पांच का चेंज है, तो दो क्लोरीन के लिए कितने का हो जाएगा, दस का। ठीक है, यस सर। और देखो मैं एक एग्जांपल में बात अधूरी नहीं छोड़ूंगा, और देखो एग्जांपल, जैसे मान लो ये है पी फोर है, इससे बन रहा है पी एच थ्री बन रहा है, प्लस एन एच टू पी ओ टू बन रहा है। ठीक है, फास्फोरस का जीरो से माइनस थ्री हो रहा है, जीरो से प्लस वन हो रहा है बेटा। जीरो से माइनस थ्री तो अपचयन हो गया, जीरो से प्लस वन क्या हो गया, ऑक्सीकरण। आपको तुल्यांक की बार पूछा है ई पी फोर का, इसका विषम अनुपातन होगा एम बटे में। बेटा अब मैंने फॉर्मूला लिखा, वैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला लिखा, तो मैंने लिखा एक्स वन एक्स टू बटे में एक्स वन प्लस एक्स टू। ठीक है, आप ध्यान देना बेटा, मुझे जवाब दें बेटा, एक्स वन की वैल्यू बोलो जो कि जीरो से माइनस तीन में जब बदल रहा है बेटा, थोड़ा सा बोले प्लीज, एक्स वन बोलो, ट्वेल्व बोल लिख दो बेटा मैं, ट्वेल्व बारह लिख दो ना, वेरी गुड बारह। अगली बार ये प्लस वन में जब बदल रहा है तो कितना लिखो, दो फोर, फोर लिख दो, और दोनों का सम कितना हो गया, सिक्सटीन, ये थ्री आ जाएगा, तो ये एम बाई थ्री आ जाएगा। ये समझ रहे हो मेरी बात, बोलो बेटा। यस सर, बेटा ये हाँ ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप समझ पा रहे हो ना बात को। यस सर, ठीक है हाँ। तो बेटा ये इस तरीके से होता है सॉल्व। ठीक है, और देखो क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, मैं अब दो एग्जांपल लूंगा भाई, वो बेसिक कंसेप्ट के लिए होता है, ये होता है कंसेप्ट कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या है, इन एग्जांपल को
छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं रीजन बताऊंगा आपको। देखो जैसे क्या होता है, एक तो पहले ये समझे, Fe 0.8O ऐसा कंपाउंड भी होता है बेटा। ठीक है, ये O लिखा हुआ है, ये O लिखा हुआ है। भाई मैं बताता हूं आपको, जैसे क्या होता है Fe2O3 है, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। एक आयरन का x माना तो दो आयरन का कितना हो गया 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 3 आ गया। प्लस 3 वैसे ही यहाँ भी इक्वेशन बनेगी, एक आयरन का x माना है ना तो 0.8 आयरन का कितना होगा 0.8x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 अपॉन 0.8, तो ये आ गया 20/8, तो ये प्लस 2.5 आ जाएगा। तो ऐसा भी कंपाउंड होता है बेटा कि जहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा आ जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, जो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं सिर्फ वो कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि भैया ऐसा भी होता है। देखो ऐसा भी होता है, अब आप ध्यान दो, मान लो आपको ये दे रखा है कि Fe 0.8O, ठीक है, इससे इसने बना रखा है Fe2O3, आपसे तुल्यांकी भार पूछा है Fe 0.8O का, ठीक है, इसका जवाब देना था। अब ध्यान देना बेटा, देखो यहां पर कितना आया बेटा, यहां पर प्लस 2.5 आया, ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकाला, यहां प्लस 3 आया, तो कितने का इंक्रीज आया बेटा 0.5 का, बोलो। यस सर। तो जनरली स्टूडेंट क्या करता है 0.5 लिख के रिजल्ट बता देता है, पर आपको पता है जितने परमाणु होते हैं उससे गुणा भी तो करनी पड़ती है, तो 0.5 को किससे गुणा करना पड़ेगा 0.8 से, तो आपको पता है m अपॉन 0.4। तो अभी एक स्टूडेंट ने बिल्कुल सही रिजल्ट भी बोला, वेरी गुड बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 10/4 m हो जाएगा, अभी इन्होंने रिजल्ट भी बोला था 2.5 m, वेरी गुड। तो मतलब अपनी कंसेप्ट बिल्डिंग है कि भाई ये नहीं भूलना है कि आयरन कितने है उससे लास्ट में गुणा करनी पड़ती है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? ठीक है, मैंने क्या बोला, सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। एक और ऐसा एग्जांपल देखो बेटा, मैं ये है ना, आप इससे घबराना मत, बस जैसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, HCN माइनस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं अपन, इसका नाम भी देख लो, थायोसाइनेट है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है एस डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन, ये माइनस वन। तो बेटा अगर सबके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर पे जाएंगे तो सल्फर का यहाँ माइनस टू हो जाएगा, कार्बन का इसके कारण प्लस टू, प्लस टू फिर यहाँ माइनस टू। तो बेटा यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है, ठीक है, वो आपके पास आता है सल्फर का तो माइनस टू आता है, कार्बन का प्लस फोर आता है, और नाइट्रोजन का कितना आता है माइनस थ्री। ठीक है, आप कहेंगे सर आप क्या बताना चाह रहे हैं, तो अभी आपको बात आ जाएगी समझ में, बट अ वेरी टिपिकल। ठीक है, वेरी टिपिकल, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए जरूरी है। जैसे क्या होता है K4Fe, फिर ये है आपके पास HCN, ये है HCN, ठीक है, होल सिक्स। ठीक है, ये कहता है ये बदल रहा है किसके अंदर, Fe प्लस टू के अंदर, ये बदल रहा है SO2 के अंदर, ये बदल रहा है CO2 के अंदर, ये बदल रहा है NO3 माइनस। ठीक, अब ध्यान देना बेटा, आप मेरी बात पे ध्यान देना, देखो पोटेशियम का कहीं जिक्र नहीं है, इसका आपसे तुल्यांकी भार पूछा हुआ है M by। ठीक, अब देखो मैं M by कैसे लिखूंगा, आयरन का तो प्लस टू से इसने चलो प्लस थ्री कर रखा है, प्लस थ्री कितने का इंक्रीज है बेटा, इंक्रीज कितने का है वन का। सल्फर का देखो बेटा माइनस टू से प्लस फोर, बेटा कितने का इंक्रीज है, छह का इंक्रीज है, और टोटल सल्फर कितनी है छह, तो टोटल इंक्रीज कितने का आ गया 36 का। कार्बन का देखो बेटा, कार्बन का प्लस फोर से प्लस फोर, ये कोई चेंज नहीं है, जीरो जीरो।
नाइट्रोजन का माइनस थ्री से प्लस फाइव, कितने का इंक्रीज है, आठ का, तो आठ इंटू छ, तो बेटा आप देखो टोटल जो सम आएगा एम बाई वन प्लस थर्टी सिक्स प्लस फोर्टी एट, सम करोगे तो एम बाई एटी फाइव। बहुत बड़ी संख्या है, आपको आश्चर्य भी होगा, पर है ऐसा भी होता है, ये आपके पास आ गया 85। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से, बोलो बेटा। मैंने क्या बोला, टिपिकल है लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है, इसको वापस देखना आप, ठीक है। मेरा एम आपको ये इसमें परेशान करने वाला कोई एम नहीं है, मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाह रहा हूँ कि हाँ ऐसा भी होता है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना, हाँ अब ध्यान देना बेटा, अपन बात करेंगे सम क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन, ठीक है। वैसे मैं कई बार ये क्वेश्चन लास्ट में कराता हूँ, अभी कराने के पीछे रीजन ये है कि आपको है ना, जो कल मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी अविनाश जी की क्लास नहीं होगी, तो कल भी मेरी क्लास होनी चाहिए, ठीक है। तो कल क्या है, मैं इसको अभी क्या है, क्योंकि अभी बीच में 15 मिनट में 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो मैं इसलिए बीच में शुरू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और एब्सेंट बिल्कुल मत रहना, मान के चलना अगर रिडॉक्स में से क्वेश्चन तो ये बैलेंसिंग वाला, और मैं शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, तो बेटा कल की क्लास में बिल्कुल एब्सेंट नहीं रहना। अभी देखो आप क्वेश्चन, बेटा ये क्वेश्चन कैसे आते हैं आप ध्यान देना, ए बी और सी, इसके ऑक्सीडेशन नंबर दे रखे हैं आपको, ये प्लस वन दे रखा है, ये प्लस टू दे रखा है, माइनस वन, देन कंपाउंड विल बी, कंपाउंड विल बी तो यौगिक होगा, बेटा ये ऑप्शन का ही क्वेश्चन होता है, आप इस बात का ध्यान रखना, ऑप्शन का ही क्वेश्चन होता है, जैसे ए टू बी सी थ्री, ये दे रखा है, बी दे रखा है आपको ए टू बी, और आपको दे रखा है सी फोर, सी दे रखा है आपको ए बी सी टू, ए बी सी टू, और ऊपर लिखा हुआ है इसने प्लस वन, डी दे रखा है ए बी थ्री और सी माइनस वन। बेटा आप ध्यान देना, आपको इसको जब सॉल्व करना होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे आप उस पर समझना। बेटा ये पहले मैं क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन हमेशा केवल ऑप्शन से ही सॉल्व होगा, ऑप्शन से ही। अपन को अगर ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर से कभी भी कंपाउंड पता नहीं कर सकते, लेकिन अपन क्या पता कर सकते हैं, जैसे ये उदासीन है, ये न्यूट्रल है, तो अपन क्या बता सकते हैं कि सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम जीरो होगा, इसमें सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम जीरो होगा, इसमें सभी का ऑक्सीडेशन नंबर का सम प्लस वन आना चाहिए, इसमें कितना आना चाहिए, माइनस वन। अब चेक करते हैं बेटा, ए का प्लस वन से कितना हो गया, टू प्लस टू माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये नहीं आया तो ये गलत हो गया। अगला देखो, टू प्लस टू माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो ये सही हो गया। अगला देखो, ये आया वन प्लस वन माइनस टू इक्वल टू, ये प्लस वन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये प्लस वन नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अपन एक काम करते, एक माइनस वाला भी सही कर लेता हूं मैं, ये वाला ए बी थ्री तीन छ सात सात, तो ये आठ कर देता हूं। अब देखो आप ध्यान से करो बेटा, ये आया प्लस वन प्लस सिक्स माइनस एट, माइनस वन आ गया, तो ये वाला भी सही हो गया, तो ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव या प्लस वाला सही नहीं हो सकता, नेगेटिव और प्लस वाला भी सही हो सकता। आपको बेसिक कंसेप्ट आ रहा है समझ में, बोलो बेटा, ठीक है, सिंपल सा सर नहीं समझ आ रहा। अच्छा बेटा आप मेरे को एक चीज बताओ, जैसे ये लिखा होता है Cr2O7-2, तो इसमें सभी तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना होता है, सम कितना होता है, माइनस टू, माइनस टू, ठीक है। अगर मान लो K2Cr2O7 लिखा हुआ है, कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा
वो कितना होगा, जीरो होगा। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है NH4+, तो सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना होगा, प्लस वन। पहले बताओ ये रूल होता है ना ऑक्सीडेशन नंबर में? यस सर। बस वही बात मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो, समझो मेरी बात। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इन सभी में ऑक्सीडेशन नंबर का सम कितना आना चाहिए बेटा, जीरो आना चाहिए। मैं वो चेक कर रहा हूँ, देखो ए का प्लस वन इंटू टू टू आ गया, प्लस टू आ गया और माइनस थ्री आ गया, क्योंकि ये जीरो के इक्वल नहीं है। आप देखो चार और तीन, ये तो प्लस एक आएगा, जीरो के इक्वल नहीं आया, इसलिए मैंने इसको बोल दिया कि भाई ऐसा संभव नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? बोलो बेटा, वाले में ये सम कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो मैंने कहा यस ये सही है। बोलो बेटा। एक तो ये है, दूसरा आपको ऐसा क्वेश्चन पता होना चाहिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। बेसिकली थ्योरी क्या लगेगी, चलो अपन देखते हैं। क्रोमियम O2 ये लिखा हुआ है, H2O ये whole twice, ठीक है, फिर ये लिखा हुआ है ये CL लिखा हुआ है। अब ध्यान देना बेटा, इसके अंदर ये लिखा हुआ है इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज इक्वल टू, इसने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है, क्रोमियम इक्वल टू प्लस थ्री, यदि उपरोक्त यौगिक में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस तीन है, तो यहां टू होगी। बेटा देखो ऑप्शन देखो, एक दे रखा है आणविक O2, इंग्लिश में भी लिख देता हूं मॉलिक्यूलर O2, बाकी हिंदी इंग्लिश में सेम, ऑक्सन ऑक्साइड ये सी दे रखा है, पर ऑक्साइड और डी दे रखा है सुपर ऑक्साइड। ये भी थोड़ा सा रिवीजन लाइक क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, आपको करना क्या होगा ऐसे क्वेश्चन में, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, सॉल्यूशन में देखो अगर क्या है, मैं यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा, ऑक्सीजन भाई अगर ऑक्सीजन का माइनस टू आता है तो वो ऑक्साइड होगी। आपको पता है ऑक्सीजन का अगर माइनस वन आता है तो वो इतना पता चलने लग गया आपको, वो परऑक्साइड होगी, और अगर ऑक्सीजन का माइनस हाफ आता है तो वो सुपर ऑक्साइड होगी, और अगर ऑक्सीजन का जीरो होता है तो मॉलिकुलर का मतलब है O2, जीरो आता है तो वो आणविक ऑक्सीजन। पहले मेरे को ये बताओ ये बात आ गई क्या समझ? यस सर। अब देखो मैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करता हूँ, मुझे पता है क्रोमियम का तो कितना दे रखा है, मैं यही इक्वेशन बनाता हूँ बेटा, यही सॉल्यूशन लिखता हूँ ताकि आपको क्या है ये भी क्वेश्चन भी दिखता रहे और सॉल्यूशन भी दिख पाएगा, ठीक है। देखो क्रोमियम का प्लस थ्री दे रखा है, एक ऑक्सीजन का, बेटा ध्यान देना हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर सिंगल एलिमेंट का माना, एक ऑक्सीजन का एक्स मानेंगे तो दो ऑक्सीजन का कितना हो गया, टू एक्स हो गया, प्लस मैंने लिगेंड याद करवाए थे तो H2O का एक साथ कितना था याद है किसी को, जीरो, जीरो, वेरी गुड। NH3 का एक साथ कितना, जीरो, जीरो। Cl का कितना था, माइनस वन, माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब ध्यान दो बेटा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस टू आ गया और x इज इक्वल टू माइनस वन आ गया,
एक्स माइनस वन आने का मतलब कौन सा हो गया बेटा, परऑक्साइड हो गया। तो ये वाली ऑक्सीजन यहाँ पर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, परऑक्साइड की फॉर्म में। और समझ रहे हो मेरी बात, बोलो बेटा। अगर इसका आंसर माइनस हाफ आता ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या होता बेटा, ये सुपर ऑक्साइड होता। जैसे चलो इसी में मैं आगे बताता हूँ आपको, आप परेशान नहीं है। जैसे मान लो यही क्वेश्चन ये होता, क्रोमियम O2 H2O होल ट्वाइस NH3, ठीक है, ये हो जाता होल ट्वाइस और ये हो जाता आपके पास मान लो Cl2 हो जाता। ये कहता है कि यहाँ क्रोमियम प्लस थ्री है, अब O2 is, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड दे देते हैं। अब देखो आप सॉल्यूशन देखो, अभी अगर किसी को वहां बात समझ में नहीं आई थी तो यहाँ देखो, मैंने ऑक्सीडेशन क्रोमियम का कितना दे रखा है बेटा, प्लस तीन दे रखा है, ये देखो प्लस थ्री दे रखा है ना, प्लस थ्री लिख दिया। मैं इस O2 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा, ऑक्सीजन का मैंने एक ऑक्सीजन का x मान लिया, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2x, वाटर का कितना होता है जीरो, अमोनिया का कितना होता है बेटा जीरो, इस एक क्लोरीन का माइनस माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब 2x इज इक्वल टू माइनस वन आ गया, x इज इक्वल टू माइनस हाफ आ गया, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस हाफ कब आता है बेटा, जब वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सुपर ऑक्साइड। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता, सुपर ऑक्साइड। अरे आ रही है क्या बात समझ में, बोलो बेटा। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो मेरी बात। चलो अब थोड़ा सा सम अप करते हैं अपन, ठीक है, आप ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ठीक है, आसान शब्दों में समझना बेटा। इंटर मॉलिकुलर, इंटर मतलब इंटरनेशनल मैच, दो अलग अलग के बीच में, तो ये दो अलग अलग के बीच में जब एक ही एलिमेंट में, एक ही कंपाउंड में, एक ही यौगिक में दो अलग अलग तत्व, तो इंट्रा, लेकिन एक ही कंपाउंड में एक ही तत्व का, तो ऑटो, स्वतः या विषम अनुपातन या डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। देखो ये भी बहुत सारे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में ये भी फ्री के मार्क्स होते हैं, ध्यान से देख लो ये सारा, ये अंतर पढ़ लेना ढंग से, फिर ये तो आइडेंटिफाई करना है, इसी से संबंधित बातें थी, अभिक्रियाएं थी। फिर मैंने ये बताया ऑक्सीकारक और अपचायक का तुल्यांकी भार, भाई आप किससे डिवाइड करोगे, वैलेंस फैक्टर से। बेटा कल इस लेक्चर की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो बैलेंसिंग में उलझोगे आप, पढ़ना आज घर पे बैठ के पढ़ना बेटा इसको। यहाँ पर मैंने छह दो की गुणा क्यों करी, इस वाले में दो की एनएस थ्री में दो की गुणा नहीं हुई, एक की ही गुणा है, एक का ही मल्टीप्लाई है, क्यों। यहाँ पर चार का मल्टीप्लाई क्यों किया, वापस देखना, मोर देन सफिशियंट, यहाँ दो का मल्टीप्लाई यहाँ वही रहने दिया, या एक का मल्टीप्लाई यहाँ, दोनों में एक एक का मल्टीप्लाई। तो बेटा ये सारी चीजें कल अपने को जरूरत पड़ेंगी। यहाँ पर 36 क्यों लिखा है, क्योंकि 12 into 3 यहाँ पर, तो 6 क्यों लिखा है, क्योंकि 3 into 2 किया है, तो ये क्यों किया है, ये सारी बात देखना। एक से ज्यादा में इंक्रीज है तो दोनों को सम कर देना है, ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल। फिर इंक्रीज डिक्रीज दोनों है तो दोनों का डिफरेंस ले लेना है, डिफरेंस चार का, दोनों हैं लेकिन दोनों इक्वल हैं तो जीरो नहीं बोलना है, कोई एक वैल्यू ले लेनी है। तो यही इस बात को मैंने इस रूप में समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। फिर है विषम अनुपातन, बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, एक्स वन एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू, दोनों के कारण देखेंगे, ऑक्सीकरण के कारण, अपचयन के कारण, दो एग्जाम्पल बताएं, ध्यान से देखना, ठीक है। फिर ये कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको छोड़ सकते हैं, एक बार देख लेना बस ऐसे। फिर ये दो क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को, ठीक है। और बेटा मैं ना ये जो दो चार स्टूडेंट जो मेरे से जुड़े हुए हैं इनको मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, आप है ना प्लीज जो कॉमन ग्रुप है ना उसमें डाल दिया करो, आप पीडीएफ डाल देते हो बेटा। हाँ सर, मिल जाता है सबको। हाँ हाँ, तो उसको डाल दिया करो, ठीक है।
तो चलो आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा अपन लोग, ठीक है। कल की क्लास में मैं बोल रहा हूँ आप एब्सेंट मत रहना बेटा, टाइम टेबल भी ध्यान से देख लेना, मोस्ट प्रॉब्ली मेरी होनी चाहिए क्लास, और उसमें बैलेंसिंग पढ़ेंगे जो इस चैप्टर का मोस्ट 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 बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा ओके, ठीक है। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके ओके बेटा, गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट बेटा, ठीक है, चलो बाबा।